सो निकल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, रत्नागिरी। यहाँ से 189 किलोमीटर्स है और टाइम हो रहा है अभी 11:45, तो ऑलमोस्ट 4 hours 15 minutes का कुछ टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। और हम लोग मुंबई गोवा हाईवे से जाने वाले हैं जो नया बन रहा है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है वो लाइन पे, तो भी देखेंगे, जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। और धूप बहुत ज़्यादा निकली है। लेट निकलने का कारण ये है कि हम लोग को मालवन एक्सप्लोर करना था और ज़्यादा दिन हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो एक ही दिन में हम लोग दो दो काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ इसी बात के ऊपर आप लाइक करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो चैनल पे, प्लीज़ गाइस। सो अभी मिलते हैं बाइक पे, नीचे सब पेट्रोल टंकी एयर सब सेट है, ओनली बाइक लेके निकलना है, तो मिलते हैं। शुरू हो चुकी है सफ़र की शुरुआत लेके गणपति बप्पा का नाम, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ से 187 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट 4 hours 31 minutes ऐसा कुछ दिखा रहा है गूगल मैप, तो मैप लगाया है। कल की तरह होना नहीं चाहिए, घूमते हम लोग फिर से वही रूट पे आ जाए। तो यहाँ से स्ट्रेट जाना है, तो चलो मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया है, तो मैंने अपना दूसरा वाला 16 GB वाला मेमोरी कार्ड डाला है, वो देखते चलो। एग्जैक्ट 12 बजे निकले हैं, अभी देखते कितना बजे पहुँचते हैं हम लोग। रोड्स ख़राब होने के कारण कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है यार, बाकी सब ठीक है। अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा था, किधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया किसी को, दोनों को भी। भाई मालवन मिलते हैं फिर से कभी तो अपने नेक्स्ट राइड पे। बाबा ट्रैवल कर रहे थे गाइस, सीन ऐसा हो गया है कि ये मेरा जे माउंट टूट गया है और चलते चलते एक स्पीड ब्रेकर था ऐसे ऐसे उड़ा और टूट गया और सीधा कैमरा नीचे ऐसा। नसीब से कैमरा को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो कैमरा का ये बॉडी है उसको हुआ, थोड़ा स्क्रैचेस आए उसके ऊपर, बाकी सब ठीक है और कुछ है नहीं। ये नसीब से प्रतीक के पास था, थैंक यू प्रतीक एक्स्ट्रा रखने के लिए, वेलकम प्रतीक के पास था, अच्छा हुआ। नहीं तो अपने का मोटर लॉक तो कुछ था ही नहीं, आज घर पे ऐसे ही जाना पड़ता था। हमने जस्ट कनकवली क्रॉस किया है, अभी यहाँ से गणपतिपुरे है 150 किलोमीटर एग्जैक्टली। सो फार सो गुड। और एक चीज़ हो गया, जे माउंट तो गया, अच्छा हो गया प्रतीक ने लाया था एक एक्स्ट्रा, थैंक्स टू प्रतीक, तो जुगाड़ हो गया, नहीं तो मेरी तो वाट थी भाई आज। जे माउंट का दोनों जो हुक होता है अटकाने का, दोनों गिर गया और कैमरा भी गिर गया, और एक होना था ये देख रहा हूँ इधर का रबर, वो भी गायब, पता नहीं किधर गया। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है सफ़र में, कोई नहीं चलो होते रहता है ये सब चीज़। सो गाइज, मैंने एक डिसाइड किया है कि ये जो सीरीज़ है अपना वो मैं घर जाके अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है प्रॉपरली और हमको इंटरनेट मिल भी नहीं रहा है। सो रिस्क नहीं लेने से अच्छा मैं घर पे जाके एडिट करके फिर अपलोड करूँगा। एडिट तो कर रहा हूँ मैं, 3 पार्ट मैंने एडिट कर लिए हमारे और ये 4th पार्ट है, कल का 5वां पार्ट होगा और 5वां पार्ट है और फिर कुछ नहीं। और एग्जैक्टली मैं 2 साल पहले ये रोड से आया था कार से, हम लोग जा रहे थे रत्नागिरी मालवा और फिर गोवा फ्रेंड्स लोग के साथ कॉलेज के, ये रोड बन रहा था तभी, इतना अच्छा रोड नहीं था। अभी देखो गाइस क्या रोड बना है, मतलब मस्का रोड बनाया है, मस्का। जो भी सुपर बाइक लेके आएगा ना उसका तो मज़ा ही है भाई, इतना मज़ा आएगा उसको चलाने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी राजापुर यहाँ से 28 किलोमीटर्स, डिसाइड किया है राजापुर में रुकने के लिए। अरे 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 गाय 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 भाई, ये गाय लोग का कुछ भरोसा नहीं है भाई। सही, मैं अभी बच गया,
मेरे को लगा रुक जाएंगे भाई, ये चल रहा है मस्त है ढाल 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 करके। इन लोग का भाई ऐसे ही है, कुछ बोल नहीं सकते भाई इन लोगों, और कोई आजू बाजू में रहता ही नहीं है पकड़ने के लिए उन लोगों, मतलब संभालने के लिए। अच्छा है भाई इन लोगों का, घूमते रहो चबाते रहो, यही तो है उन लोगों का सीन। कैसे नदी देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कोंकण में आने का यही एक रीज़न है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और बीच में से नदी, और नदी के बीच में है रोड। भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक चीज़, जो कि बहुत कम देखने मिलता है बहुत कम जगह पे, और रोड्स काफ़ी अच्छे होने के कारण और मज़ा आता है। देखो अभी राजापुर है 19 किलोमीटर टू रत्नागिरी का पहला टोल टोल प्लाजा, ये कनकवली के 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, सॉरी ये राजापुर के 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। अभी तक चालू नहीं हुआ क्योंकि ये रोड काफ़ी अभी तक काम चालू है, इसलिए अभी तक चालू नहीं हुआ है। बाकी रोड एकदम मस्त का है, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश, दिल बोलते गार्डन गार्डन हो गया सही में यार। रोड देखे बहुत मज़ा हुआ है, बहुत मज़ा है, बोले ऐसे रोड मैंने कभी देखी नहीं थी कोंकण लाइन में, जो भी देख रहा हूँ मतलब इतने अच्छे, मतलब दो लेन बनाया बट बहुत ही परफेक्ट परफेक्शन के साथ बनाया। ओके राजापुर 6 किलोमीटर्स मोर टू गो, तो राजापुर में हम लोग लंच करने वाले आज। लेकिन ऐसा हुआ है कि हम लोग ने राजापुर भी क्रॉस कर लिया है, वहाँ कहीं पे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, मतलब हम लोग अंदर सिटी के अंदर से नहीं गए, हाईवे से गए। सो डिसाइड किया है कि थोड़ा जिधर भी दिखेगा अच्छा छोटा मोटा रेस्टोरेंट वहाँ बैठ जाएंगे और खा लेंगे, बहुत भूख लगा है। गाइज मेरे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड पे देख सकते हो कि जो रोड है, ये जो वाइड रोड बन रहा है वो मे भी कुछ सालों में थोड़ा वाइड हो जाएगा, मतलब टू लेन रोड हो जाएगा। ये कैसा वन लेन रोड है, आने जाने के लिए एक ही रोड है, सो वो भी बन जाएगा कुछ सालों में, तो ऑल हो और मतलब वाइड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि रत्नागिरी में ऐसे सब रोड्स बन रहे, अप्रिशिएटेड। तो फाइनली होटल मिला है बहुत ढूंढने के बाद, बहुत मुश्किल के बाद। तो अभी मेरा मेमोरी कार्ड का कुछ सीन हुआ है, पता नहीं एरर दिखा रहा है तो फ़ोन से ब्लॉक चल रहा है, थोड़ा क्वालिटी कम आएगा क्योंकि हम लोग ने ऑर्डर किया है बिरयानी, वेज बिरयानी ऑर्डर किया है, खा के मिलते हैं फिर से रोड पे। सो पीछे एक लेफ्ट था जाने के लिए रत्नागिरी से, सो प्रॉब्ली मेरे को लग रहा था वो लॉन्ग रूट है थोड़ा, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि आगे यही NH 66 जॉइंट ही होता है, वहाँ पे आगे जाके 13 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मारना है। सो उससे अच्छा वो रोड, इतना ज़्यादा किलोमीटर करने से अच्छा यही रोड से जाते, रोड भी पता है और हाईवे भी है तो अच्छा ही होगा, तो रिस्क नहीं लेते हुए यही रोड से जाते। अगर आप भी आ रहे हो तो यही रोड से आना, क्योंकि पता नहीं वो रोड कैसा रहेगा, क्योंकि अंदर से रोड है और कोस्टल रोड है, मे बी कम हो सकता है किलोमीटर्स, ज़्यादा हो सकता है पता नहीं, पर मैप में तो यही रोड दिखा रहा है, इसके लिए हम लोग मैप की तरफ से जा रहे हैं। और ठंडी हवा शुरू हो गई है भाई, जैसे सनसेट हो रहा है 4:30 बज गए हैं, 4:15 थी हम लोग निकले थे, 15 मिनट्स में हम लोग दो तीन किलोमीटर कवर किया है। तो अभी 13 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मारना है, तो देखते हैं आगे का लेफ्ट दिया। और वो देखो गाइस क्या व्यू लग रहा है, नदी के बीच में सन, और ये ऊपर देखो नारियल के पेड़, मतलब क्या लोकेशन लग रहा है, एकदम सिनेमैटिक लोकेशन लग रहा है और रियलिस्टिक। यही तो खासियत है हमारे कोंकण की, आओ कभी पधारो यार, आपको भी मज़ा आएगा। बहुत सी ऐसी जगह है जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए, आ जाओ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मोस्टली ये सीज़न में आना, दिसंबर जैन में आना या फिर नवंबर आना, ठंडी होती है तब, गर्मी में बिल्कुल मत आना, कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा देखने के लिए। ठंडी में क्या, अभी बारिश होके गया तो थोड़ा हरा भरा है तो मज़ा आएगा देखने के लिए, थोड़ा बहुत अलग अलग सीन्स देखने मिलेंगे, पॉइंट्स देखने मिलेंगे,
और बारिश में है तो और भी मज़ा, वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे। हम लोगों को कुछ राइडर मिले, शायद से वो 29 स्टेट्स कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम कर्नाटक, 29 स्टेट्स, पता नहीं कौन सा गाड़ी है। 3 कंट्रीज, इंडिया, केरला, भूटान। ओके, अपने तो भूटान किया है, नेपाल किया है, सॉरी भूटान नहीं किया, नेपाल किया है। भूटान मेरा प्लान था, पर भूटान का सीन क्या है, वहाँ पे परमिट है ना, परमिट के लिए बहुत ये करना पड़ता, मगजमारी बहुत है जाने के लिए, कुछ नहीं, भूटान बहुत ही मगजमारी है उसके लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि बहुत से लोग नहीं करते, देखते कभी प्लान हुआ तो भूटान भी चले जाएंगे भाई। कल जाने का टाइम भागम दौड़ी नहीं चाहिए इसके लिए, हाँ 300 करोड़ तक होते का फुल 300 मध्य टक टक 91 लीटर, माँ कसम तो बढ़ते जा रहे। 89 से चालू किया था, 97 पे अभी 91। ये देखो सनसेट देखना था ना, देख लिया, अभी और आगे जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने के लिए। और यहाँ का रोड है ना, जब हम लोग एंटर किए ये रोड, मतलब जहाँ से 30 किलोमीटर था मेन हाईवे से अंदर आने के लिए गणपति पुले के लिए, बहुत ही मस्का रोड है बॉस, एक खड्डा नहीं मिला रोड पे। अब देख सकते हो यहाँ पे, इधर ही देख लो, मस्का रोड, मतलब इतना मज़ा आ रहा ना चलाने के लिए, जैसे मुंबई का हाईवे था वैसे ही सेम रोड, कनकवली तलक अच्छा रोड था, उसके बाद थोड़ा ख़राब होने लग गया, सेम रोड है ऐसे ही, वाप रोड, मज़ा आ रहा चलाने के लिए। ऐसा रोड रहेगा तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि कल इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग रोड देख के, बस 25 किलोमीटर हम लोग ने ऐसा ही रोड चला, इतना गंदा रोड था, क्या बताओ। और ये सनसेट की मज़े लेते हुए देखो, इसके लिए हम लोग कल इतना थक गए थे, वरना 157 किलोमीटर पे कौन थकता है यार। हम लोग मुंबई टू कोल्हापुर किया तो थका नहीं इतना यार, इसमें थक गए ऑफ रोडिंग की वजह से, और कुछ नहीं यार बस। सो गाइस, आप ये रूट से आओगे तो इधर से लेफ्ट लेना है अपने को, तो लेफ्ट लेते अच्छे से, यहाँ से 12 किलोमीटर है गणपति पुले, रोड्स काफ़ी अच्छे थे इसके लिए जल्दी पहुँच गए। यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर सिर्फ, होप सो आगे के रोड्स भी अच्छे होंगे। सनसेट तो हो गया है, मेरे को अंधेरे में कवर नहीं करना था ये रोड, तो भी अभी क्या बोले, हो जाता है ट्रैवलिंग में, तो देखते। यहाँ पे होटल है अच्छा, अब देखते रूम कैसा है, रूम अच्छा रहेगा तो ले लेंगे यहाँ पे। बहुत हाँ जाओ ने, हाँ जाओ जाओ बगुने, देखते 2-3 उधर भी पीछे भी साइड होटल है, वो भी देखते और फिर डिसाइड करते। अगले रूम मिल गया, ये देखो रूम, सामान रख दिया और आपको एक व्यू दिखा था, वो देखो भाई व्यू, पूरा वो बीच है, अभी नहीं समझेगा आपको, कल मॉर्निंग में दिखाता हूँ, मस्त ऐसा पूरा बीच है और पहाड़ बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डू हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब करना फ्री है यार, कर दो यार प्लीज़। एंड सेकेंड थिंग, हमें रूम मिला है 500 रुपीज़ का, क्या बोलता है, हम लोग ने जितना भी होटल लिया ना भाई, लोगों ने इतना कॉस्ट हाई बताया ना, फिर हम लोग फिर भिड़ते रहते उन लोगों को, नहीं नहीं इतने में करो, इतने में नहीं करो, चाहिए अपने को क्या होता है बाकी। हाँ, सबसे मतलब सबसे बेस्ट ये रूम मिला अपने को। हाँ, अब तक ये हमारा तीसरा होटल है, तो ये सबसे बेस्ट होटल है, और जो सामने का व्यू है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, मॉर्निंग में नहीं, ये वीडियो एंड हो रहा है ना, हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में आप, नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग, हाँ तभी पता चलेगा। चलो फिर, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू।